हिंदुत्व आपका मुद्दा नहीं। सुन लीजिए, हिंदुत्व सुन लीजिए, हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। कैसे सर, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। हिंदुत्व का क्या मतलब? कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले बीच में हिंदुत्व को भूल गए। मतलब क्या है एक्सप्लेन करिए, हिंदुत्व का मतलब क्या है मिश्रा जी? सर मुझे नहीं पता, एक्सप्लेन आप करिए। अच्छा आप कौन कह रहे थे ना, हिंदुत्व का मतलब जीवन पद्धति है, उनके जीवन पद्धति में सहजता सरलता सुगमता है, यही तो विकास है। केवल मानसिक और वैचारिक विकास बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की और सर्वांगीण विकास आप चर्चा करिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिंदू तो सर कैसे बता रहा हूँ आपको, बता रहा ऐसा है जीवन स्तर कैसे सुधरेगा आपका, कैसे कि भारत वैचारिक नहीं, वैचारिक नहीं, आर्थिक आर्थिक बताइए, आर्थिक और सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों सामाजिक और वैचारिक क्यों बताइए। अब आप बता, पैसों की कमाई की रोजगार की इसकी बात करिए, ये जीवन स्तर का मिश्रा जी जरा सुनिए। आपको 5 लाख रुपया दें और चौराहे पर 2 जूता मारे तो साहब का विकास नहीं हो, सामाजिक भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। सुनिए, मानव सामाजिक प्राणी ना, आप इंडस्ट्री और भी चाहिए ना। सर मैंने मान लिया वैचारिक मामले, सर वैचारिक मामले में इंडिया बहुत रिच है, आपकी जरूरत नहीं, आरएसएस की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है, बीजेपी के सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, हमने आरएसएस की जरूरत है, हमने आरएसएस और बीजेपी से ये चीजें नहीं सीखी है, हमारे घर में हमारे बाप दादाओं ने ये चीजें सिखाई है, जरूरत है, हमारे सोसाइटी ने सिखाई है। आप जबरदस्ती सनातन धर्म के पुरोधा मत बनिए, मत बनिए सर, पुरोधा नहीं, आप उसमें जब आपका दिन है विचारधारा तो बीजेपी की और आरएसएस की देन नहीं है। आरएसएस के पहले भी हम शिवाजी और महाराणा प्रताप और राम को जानते थे और पूजा करते थे। कितना बच्चों को आपने सिखाया, कितना बच्चों को आपने सिखाया, छोड़िए आरएसएस पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस को कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक और जहां रुझान